जनपद सोनभद्र के दूधी कोतवाली इलाके के कोरंगी बालू खनन साइट पर एक मजदूर का शव मिलने से आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। मृतक मजदूर की पहचान गोरख सिंह गोल्ड उम्र 35 वर्ष ये पुत्र मदन गोल्ड निवासी पिपर हीर के रूप में हुई। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और हत्या कर शव को फेंके जाने का आरोप लगाने लगे। हालांकि मौके पर दूधी विधायक हरिराम चैरो SDM दूधी व दूधी कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई। लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर था कि पिछले 20 दिन पहले कोतवाली क्षेत्र के ही नगवा बालू साइट पर भी इसी तरह से मजदूर का शव मिला था, जिस पर भी अभी मजिस्ट्रेट जांच चल रही है। मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने भी आरोप लगाया कि हत्या करके शव को फेंक दिया गया है और ये आरोप खनन व्यवसायियों के ऊपर लगाया जा रहा है। जबकि मौके पर पहुंचे विधायक ने इस बात का आश्वासन दिया कि ये जांच का विषय है कि मृत्यु कैसे हुई और जांच में यदि ये पाया जाता है कि इसमें किसी के द्वारा हत्या की गई है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जबकि पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि कोरगी बालू साइट पर आज सुबह एक शव मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें, ये मजदूर इसी बालू खदान पर गाड़ियों में मौसुबे से लदे बालू को समतली करने का काम करता था। कल शाम काम करने के बाद शाम को घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजन उसे ढूंढते हुए आज सुबह बालू खदान पर पहुंचे, जहां पर उसका शव पानी में तैरता हुआ मिला। पत्थरों की खदानों में अक्सर हादसे होते रहते हैं, लेकिन बालू की खदानों पर ऐसे हादसों की गुंजाइश ना के बराबर ही होती है। ऐसे में कोतवाली क्षेत्र के नगवा बालू खनन साइट पर भी 20 दिन पूर्व इसी तरह एक मजदूर का शव मिला था, जिसको देखते हुए लोगों का आरोप है कि इस मजदूर गोरख गोड़ की हत्या करके शव को यहाँ फेंक दिया गया है। हालांकि पुलिस और प्रशासन के द्वारा लोगों को यह आश्वासन दिया गया है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अभी नहीं तो इसे मुझे मतलब हमें प्रतीत होता है कि हो सकता है कहीं बालू साइड में ऐसा कोई मामला हो। आप जैसे हैं, यहाँ विधायक जी भी आ गए हैं, ये सब बातचीत चल रही है। बालू साइड है, बालू साइड लिख को दिए उल्टा यहाँ पर भी ना, इसलिए हम लोग आए हैं। तो एक गंभीर लिखित जो तुम्हें किसी पे शक सुबह हो या बालू साइड पे है तो जिसका साइट है वो जिम्मेदार है। तो ऐसा बना के एक ठो एप्लीकेशन पुलिस वाले बोल रहे हैं कि भाई कह रहे हैं वीरेंद्र सिंह जाडौन तबे तो जांच होगा, असली आदमी पकड़ो। वीरेंद्र सिंह जाडौन यहाँ तो आ करके लोग कहेंगे क्या नाम है आपका? मदन सिंह। यहाँ पे एक शव मिला है कोरगी बालू साइड पर, वो कौन है आपका? ये लड़का है। आप उनके कौन लगते हैं? पिताजी हैं। क्या मामला था, कैसे घटना घटाई है? ये मामला कुछ नहीं था, ये बालू सालू ये करता था प्लेन और लोड करने आया था। 5 बजे तक ये इसी जगह था यहीं पर जी, और 5 बजे के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं जानते हैं हम। प्लेन करता था ना? प्लेन करता था ये जानते हैं, यानी यहाँ मजदूरी करता था। मजदूरी करता था। किसी आप लोग का क्या मांग है और क्या संभावना है? हमको लगता है पूरा हम लोग किया जाए, क्या किया जाए ये बात ही बताएंगे। हमको लगता है जेसीबी का जो होता है ना लोड करने वाला, उसी से ये टकरा गया और जेसीबी वाला फेंक दिया होगा वोकट से बालू, यानी हत्या का आशंका है। बिल्कुल है, लेबलिंग करवे करता था। क्या नाम है आपका? दोमन प्रसाद, ग्राम प्रधान जावर। अभी एक कोरगी बालू साइड पर एक शव मिला है मजदूर का, क्या मामला था और क्या कार्रवाई हो रही है? हम लोग सूचना लगभग 8 बजे मिला है, हम लोग आए हैं तो गांव वाले से पता चल रहा है कि कल शाम तक ये लड़का कोपलेन से जो होता है उसमें प्लेन कर रहा था। अब इसके बाद कुछ भी पता नहीं है, कोपलेन से ही सब कुछ हुआ है और ये शव मिला है बालू पर ही मिला है। कुछ दिन पहले वहाँ नगवा में भी हो रहा था, बालू पर भी वहाँ भी वैसी मिला था, अब यहाँ पर भी आज वही हो रहा है। रात दिन खनन होते हैं यहाँ। तो क्या मांग है प्रशासन से, प्रशासन के लोग क्या कहते हैं? हमारी तो मांग है सर जी कि इनका उचित जो कार्रवाई हो करें, उचित कार्रवाई करें और जो इनकी परिवार की जो मांग हो वो करें और ये रात का खनन बंद हो।
हत्या के भी कुछ परिजन और हत्या की भी आशंका लगा रहे हैं, हत्या हुई है कि क्या हुई है? तो हत्या तो उसमें मुंह में से ब्लड भी आ रहा है, अब तो हम तो देखे नहीं है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि वो जेसीबी से ही हुआ है, कोपलेन से हुआ है। क्या नाम है आपका, कहाँ रहने वाले हैं? अभी ये कोरगी पीपरडी बालू साइड पे एक बॉडी मिली थी, क्या लगते थे आपको? मैं तो ऐसा लगता था, नहीं आपके क्या लगते थे वो? क्या भाई लगते हैं, बड़ा भाई। क्या हुआ था उनके साथ? वो प्लेन के दौरान आए थे, प्लेन करने के लिए आए थे, उसी दौरान काम था उनका। तो क्या वो प्रतिदिन यहाँ काम करने आते थे? कितना मिलता था उनको मजदूरी? वो गाड़ी के ऊपर। अच्छा, तो मतलब ये मालूम है कि रोज यहाँ काम करने आते थे। तो क्या हुआ कि आज मतलब इनका सुबह बॉडी मिला, क्या लगता है आपको? सर हमको तो ऐसा लगता है कि इसको मारा गया है, मर्डर किया गया ऐसा लगता है। कितने बच्चे हैं उनके? देखने की वजह से ऐसा लगता है कि मर्डर किया गया। बच्चे उनके कितने हैं? तीन हैं। अच्छा, तीन बच्चे हैं। क्या चाहते हैं घर वाले, क्या चाहते हैं? घर वाले यही चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, मैं ग्राम प्रधान श्रवण कुमार। एक यहाँ कोरगी बालू साइड पर वो मिला है, शव मिला है मजदूर का, क्या मामला था? मुझे मालूम चला है, हम भी आए हैं साइड पे और देखे कि शव पानी में लगा पड़ा हुआ है, और जहाँ तक मुझे पता चला गांव वाले मुझे बोले कि वो समतल करने के लिए आया था, बालू लोड हो रहा था गाड़ी में, तो जेसीबी मशीनों द्वारा। उसमें गांव वालों ने ये आपत्ति लगाया है कि चोट लगा है उसको, बोकेट वगैरह से उसे में उसकी मृत्यु हुई है, ये मालूम है मुझे। तो क्या मांग है उनका? अभी मांग तो कुछ नहीं हो रहा है उनका, वो कह रहे हैं कि मतलब कार्रवाई हो, न्याय मिले पूरे परिवार को। हत्या वगैरह का भी बात सामने आ रहा है? अब हत्या ही कह लीजिए भाई, कोई ना कोई घटना घटी हो, ऐसा तो बरेगा नहीं कोई भी आदमी। क्या नाम था मजदूर का? मजदूर उसके पिताजी का नाम गोरख नाम था, गोरख। अभी अभी तो कोरगी बालू साइड पे हम जो है यहाँ पे पहुँचे हैं, आप लोग भी सुबह से शायद हैं। जैसे हमको सूचना मिला, हम तत्काल जो है पुलिस अधीक्षक से बात किए और जिलाधिकारी से बात किए। अभी अभी लाश मिला है, डेड बॉडी अभी पानी में ही है, और सीओ साहब, एसडीएम साहब और संबंधित पुलिस विभाग के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। इसमें जांच का विषय है, जांच में अगर किसी प्रकार का कोई हत्या या उस तरह के मामला आएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। और जो मृतक है उसके पिताजी से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि विधायक जी, बालू साइट के जो ठेकेदार हैं उनके ऊपर हमें शंका है। हमने कहा है कि तत्काल जिसके ऊपर भी आपको शंका है आप एफआईआर दर्ज कराइए, तहरीर दीजिए, मुकदमा दर्ज होगा। एक टीम जिलाधिकारी से कह करके पोस्टमार्टम के लिए हमने बात किया है, और संयुक्त तीन डॉक्टरों की टीम जो है इसका पोस्टमार्टम करेगी, और जो पोस्टमार्टम में आएगा उसके खिलाफ जैसा भी होगा, जो भी जांच के विषय में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। और इसी तरह के अभी दो हफ्ता पहले जो है नगवा बालू साइट पर भी एक डेड बॉडी मिला था, उसमें भी जो है काफी गांव वाले हंगामा किए थे, और मेरे यहाँ जब मामला आया तो एक टीम जो है जिले से हम गठित करवाए थे जिलाधिकारी से कह करके, और उसमें जो है वहाँ के बालू साइट के कुछ लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर हुआ है, और उसी तरह के ठीक संदिग्ध मामला ये है, ये जांच का विषय है, और इसमें निश्चित रूप से हम पूरा तत्परता से इसमें कार्रवाई कराएंगे, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। जैसे आरोप है यहाँ के मजदूरों का कि यहाँ रात को भी बालू साइड चलती हैं, तो इस पर क्या चीज? देखिए रात के बालू साइड निश्चित रूप से इस समय तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अभी एक हफ्ता पहले जो है यहाँ हम भी निरीक्षण किए थे, बालू साइड रात्रि में चलता था, इस पे मैं मुख्यमंत्री जी को
को और संबंधित को लिखा पढ़ी के माध्यम से हमने बताया था। 8 तारीख को धरना भी था, लेकिन 3 तारीख के जैसे हम मौके पर आए तो यहाँ पे न तो एक पोकलेन मिली और न ही कोई जेसीबी मशीन, न ही कोई ट्रक लोडिंग हो रहा था। हमारे साथ जिले की टीम थी और रात्रि में जो खनन हो रहा है निश्चित रूप से वो अवैध है, इसके लिए हम पुरजोर विरोध भी किए थे। अगर जिलाधिकारी हमको परमिशन दिए होते तो निश्चित रूप से हम धरना के माध्यम से आप लोगों को और क्षेत्र की जनता को और माननीय योगी जी को बताते, लेकिन मुझे धरना का परमिशन नहीं मिला। कुछ अवैध कार्य मेरे जानकारी में मतलब आया है कि यहाँ अवैध कार्य होता है, उसके खिलाफ मैं निरंतर लड़ रहा हूँ। और इसी तरह के अगर किसी भी प्रकार का अवैध काम कार्य में कोई लिप्त पाया गया यहाँ के ठेकेदार या कोई भी संबंधित, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगा। आए दिन यहाँ पर बालू साइडों पर मजदूरों का 100 मिलते जा रहा है, इस पर आपके द्वारा क्या कदम? आए दिन नहीं, अभी केवल 200 मिला है, तो 200 भी 2 लाश डेड बॉडी मिला है, बहुत बड़ा बात है। आए दिन के मतलब प्रतिदिन या जैसे कह लीजिए हफ्ता में, अभी तक केवल 2 बॉडी मिला है, एक नगवा में एक यहाँ पर। लेकिन ये बड़ा गंभीर विषय है, जाँच का विषय है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नगवा बालू साइड पे टीम गठित करा करके हमने FIR करा दिया है। यहाँ भी FIR मृतक के पिताजी अगर या उसका कोई भी परिजन अप्लीकेशन आज देगा तो निश्चित रूप से FIR होगा, और चाहे कितनों बड़ा ठेकेदार होगा या माफिया होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। आज प्रातः 8 बजे थाना दुधी की कोरबी वाली साइड पर एक सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर पानी की धारा में एक शव पड़ा हुआ है। मौके पर जो दुधी की पुलिस टीम है और शिव दुधी और मौके पर पहुंचे तो उस बॉडी को बाहर निकाल करके देखा गया तो उसकी पहचान गोरख गोण के रूप में हुई है, जो वहीं पास में गांव पिपड़ी के रहने वाले हैं, जो कोरगी बालू साइड पर काम भी करते थे। इस संबंध में जो वहां के उसके परिजन हैं उनके द्वारा कुछ बातें बताई जा रही हैं। बॉडी को अपने कब्जे में ले करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मेरे द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि पैनल के द्वारा और वीडियोग्राफी में उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। परिजनों से इस संबंध में तहरीर मांगी जा रही है, जो वो तहरीर देंगे उस आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।